देश का जो युवा है उसका जो क्रिएटिव माइंड है वो इस चुनाव में काफी एक्टिव लगता है और उसके कारण वो हर चीज में नारा भी व्यंग भी और बहुत ही कम शब्दों में विश्वास भी प्रकट करता है। और जब ये 400 पार की बात आई तो उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कोई बीजेपी ने घड़ा हुआ नारा नहीं है, ये जनता के दिलों से निकली हुई आवाज है। जहां तक मोदी का सवाल है, आप देखते हैं कि 19 से 24 तक हम करीब 360 जीत करके आए थे एनडीए, और सदन में दो तीन दल ऐसे थे जो लगातार हमारे साथ रहते थे। इसलिए एनडीए प्लस देखूं तो हम ऑलरेडी 400 थे। 2019 से 2024 तक सदन में हम 400 थे, यानी 400। अगर आपका परिवार में बच्चा 90 मार्क लेकर के आया और उसके सारे विरोधी या उसके कॉम्पिटिटर क्लास में जो भी बच्चे हैं वो 30 लाए 40 लाए, फिर भी आप उसको नहीं कहोगे यार तेरे बाकी वाले 40 लाते हैं तुम 50 लेके बैठ जाओ बेकार में, काहे 90 की मेहनत करते हो। आप भी उसको कहेंगे कि नहीं यार 90 आए लेकिन 95 के लिए अगली बार ट्राई करो ना। तो 400 होने के बाद मुझे तो मेरे साथियों को कहना ही होगा कि भैया हमें तो और आगे जाना चाहिए, इसलिए 400 पार आया।